हेलो स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स हम डिस्कस कर रहे थे और बायोमोलिक्यूल्स में मैंने अभी तक आपको प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स करा दिए। लास्ट जो टॉपिक है, आज हम फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। लास्ट टॉपिक है दैट इज विटामिन्स और एंजाइम्स। ये दो टॉपिक बचे हैं। सो विटामिन्स मैं आपको स्टार्ट कराता हूं। विटामिन्स एक्चुअल में है क्या? देखो, हमारी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए देयर आर सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए। और वो केमिकल सब्सटेंसेस या तो वाटर में सोल्युबल होंगे या फिर वो फैट में सोल्युबल होंगे। सो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस फैट में सोल्युबल होते हैं और कुछ वाटर में सोल्युबल होते हैं, बींग पोलर एंड नॉन पोलर इन नेचर। और ये केमिकल सब्सटेंसेस हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। सो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी हो और वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल हो आर नोन एज विटामिन्स। ठीक है। सो विटामिन्स है दो टाइप के, इसके विटामिन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज द फैट सोल्यूबल एंड सेकंड वन इज नोन एज वाटर सोल्यूबल। तो मैं एक एक करके सबके इनके एग्जाम्पल कराता हूं, कहां ये काम आते हैं और इनकी डेफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज फर्स्ट वन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। सो फैट सोल्यूबल का मतलब है ऐसे विटामिन्स हैं जो कि नॉन पोलर सोलवेंट है, लाइक फैट है, ठीक है, उसके अंदर सोल्यूबल होंगे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है विटामिन ए, और इसका जो केमिकल नेम होता है इट इज नोन एज रेटिनोल। फैट सोल्यूबल विटामिन कितने हैं? चार हैं बेसिकली, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। जो फर्स्ट है विटामिन ए, इट इज नोन एज रेटिनोल, ये इसका केमिकल नेम है। कहां ये आपको मिलेगा? इट इज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग। यहां से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, दे आर द रिसोर्सेज। और इनकी डेफिशियंसी से कौन सी डिजीज आती है? इनकी डेफिशियंसी से डिजीज होती है ज़ीरोथैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ीरोथैल्मिया का मतलब होता है हमारी आंखों के ऊपर रहना जो कॉर्निया होता है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा पड़ता है और उसकी वजह से धीरे धीरे कॉर्निया डैमेज होने लगता है और आंखों की जो साइट है, जो रोशनी है, वो धीरे धीरे डिम होने लगती है। दिस इज नोन एज ज़ीरोथैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। जैसे आप लोग लॉकडाउन के समय फोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें क्या है कि ज्यादा फोकस करके अगर आप बार बार फोन को देखते हो तो उसे आंखों में दर्द होने लगता है। तो इट इज द समवट केस ऑफ ज़ीरोथैल्मिया। कॉर्निया जो है धीरे धीरे उसमें एक तरह से वीकनेस आने लगती है। क्यों? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। So, आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट क्या लेना चाहिए? मिल्क लेना चाहिए एंड ग्रीन वेजिटेबल से लेनी चाहिए टू अवॉइड द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। दूसरा जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इट इज विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ये भी आपको मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और एग से ऑब्टेन होता है और इसकी डेफिशियंसी से डिजीज होती है विच इज नोन एज रिकेट्स। रिकेट्स एक तरह का बोन में होने वाली प्रॉब्लम है जिससे बोन के अंदर पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी जो हड्डियां हैं दे मे समवट ट्विस्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज रिकेट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। थर्ड है विटामिन ई, जिसका नाम है केमिकल नेम टोकोफेरॉल, और ये आपको कहां से मिलता है? ऑयल से और फैट से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी डिजीज विच इज नोन एज स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है विटामिन ई। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा तो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। तो स्टेरिलिटी इट विल मे कॉज विटामिन ई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। लीड्स टू स्टेरिलिटी, लेस डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। विटामिन के, इसको आप फाइलोक्विनोन भी बोलते हो, केमिकल नेम है, कहां से ऑब्टेन होता है? वेजिटेबल्स एंड कैरेट से जनरली। और इससे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से? ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स। जैसे आपको कहीं पर चोट लग गई, वाउंड आ गया और उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। सो ब्लीडिंग को स्टॉप कराने के लिए, क्लॉटिंग कराने के लिए ब्लड को विटामिन के जरूरी होता है। ठीक है। सो दीज आर फोर, ए डी ई के आर जनरली फैट सोल्युबल विटामिन्स। दूसरा जो केस आता है विच इज नोन एज वॉटर सोल्यूबल विटामिन, इनके भी कुछ केस हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बी में विटामिन बी वन, बी टू, बी सिक्स, बी ट्वेल्व एंड विटामिन सी। एक एक करके स्टार्ट कराता हूं। विटामिन बी वन,
इसका केमिकल नेम क्या है? इट इज नोन एज थायामीन। कहां से ऑब्टेन होता है? आपको व्हीट से मिलेगा, गेहूं से, पल्सेस, राइस, मिल्क, यहां से आपको ऑब्टेन होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी हो जाता है। यह आप सिक्स्थ सेवेंथ क्लास से ही पढ़ते हो। विटामिन बी वन थायामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इट इज बेरी बेरी। सेकेंड वन देखो, विटामिन बी टू, इसको आप राइबोफ्लेविन बोलते हो, केमिकल नेम है इसका। कहां से ऑब्टेन होता है? इसका रिसोर्सेज क्या है? मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। और किस इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, जो आपकी जीभ है, इन्फ्लामेशन उसमें हो जाएगा, थ्रोट है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन। थर्ड वन आओ, विटामिन बी सिक्स, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी सिक्स इज पाइरिडॉक्सिन। और ये कहां से ऑब्टेन होता है? आपको राइस से, फिश, एग। और इसकी डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया और पेलेग्रा हो जाएगा। जनरली पेलेग्रा से क्या होता है कि, या एनीमिया से क्या होता है, आपकी जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या जनरली जो आपके वाउंड्स हैं या दांत हैं उसके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। दिस इज नोन एज पेलेग्रा एंड एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और किसकी वजह से होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी सिक्स। नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसको आप सियानोकोबाल अमीन के नाम से भी जानते हो, सियानोकोबाल अमीन। इसके अंदर आपको याद रखना है कोबाल्ट, सीओ, कोबाल्ट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आपको मिलता है, सीओ डी ब्लॉक एलिमेंट है, राइस, फिश और एग से ही मिलेगा ये विटामिन आपको। और इसके डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो जाता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है विटामिन सी, इट इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। और ये कहां से ऑब्टेन होगा? जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, वहां से आपको ऑब्टेन होता है। और इसके डेफिशिएंसी से आपको पायरिया हो जाता है। पायरिया में भी क्या होता है कि जो दांत होते हैं उससे आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होने जाती है, वहां पर घाव हो जाते हैं, इट इज नोन एज पायरिया, ठीक है। किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। सो ये जितने भी मैंने आपको विटामिन कराए हैं, दीज आर बी वन, बी टू, बी सिक्स, बी ट्वेल्व एंड सी, दीज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, और ए डी ई के, दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। सो एक विटामिन एक ऐसा है जो ना तो फैट में सोल्यूबल है और ना ही इस वॉटर में सोल्यूबल है। मैंने आपको दो प्रकार के विटामिन कराए हैं, वॉटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, बट देर इज ए विटामिन विच इज नाइदर फैट सोल्यूबल नॉट वॉटर सोल्यूबल, एंड दिस विटामिन इज नोन एज विटामिन एच, उसको विटामिन एच बोलते हो, ठीक है। और उसका नेम है बायोटिन। कौन सा विटामिन है? विटामिन एच, इसको आप बायोटिन बोलते हो, केमिकल नेम इसका बायोटिन। कहां से ऑब्टेन कराते हो आप इसको? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल्स, एग एंड मिल्क, यहां से आप ये ऑब्टेन होता है। और इससे भी जनरली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो आप फेस करते हो, या बोलू मैं स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई विटामिन एच की, बायोटिन की, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एंड दिस विटामिन, विटामिन एच इज नाइदर वॉटर सोल्यूबल एंड नॉट फैट सोल्यूबल, ना ही ये वॉटर सोल्यूबल है ना ही ये फैट सोल्यूबल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इस पूरी यूनिट का आता है, विच इज नोन एज एंजाइम। तो मैं आपको एंजाइम कराता हूं। एंजाइम क्या होते हैं? मैंने आपको प्रोटीन में बताया था, जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स ही बेसिकली किसका फॉर्मेशन करते हैं? एंजाइम्स का। सो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है? दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, और जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोटीन से ही बने, मेन पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो इसका क्या कहलाएगा? प्रोटीन कहलाएगा। और ये भी हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेरियस केमिकल रिएक्शन को हमारी बॉडी में कैरी आउट करते हैं। जैसे आपने फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उसको कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है उसके अंदर ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो एंजाइम्स, देखो एंजाइम्स किस किस काम आते हैं?
फर्स्ट वन, बॉडी के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, किसके बने होते हैं, प्रोटीन से। सो देखो इनकी कंपोजिशन, देखो कंपोजिशन किस किस से बने होंगे, या तो ये प्रोटीन के होंगे या फिर दे मे बी मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस सम नॉन प्रोटेनियस पार्ट, एंड द नॉन प्रोटेनियस पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली प्रोटीन से बनते हैं, और प्रोटीन के साथ साथ इनमें एक नॉन प्रोटेनियस पार्ट होता है जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता, विच इज नोन एज कोफैक्टर। ठीक है, अब ये जो कोफैक्टर है ये दो प्रकार का हो सकता है, मे बी इनऑर्गेनिक, मे बी इनऑर्गेनिक पार्ट, और इनऑर्गेनिक पार्ट में आपके आयन्स आएंगे जैसे पोटेशियम, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन 2+, कॉपर 2+, लाइक दिस कोबाल्ट 2+। ठीक है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक पार्ट हैं जो कि कोफैक्टर्स में आते हैं, आयन्स हैं। उसके बाद कोफैक्टर में सेकंड पार्ट क्या आता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन इज नोन एज कोएंजाइम एंड सेकेंड वन इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दो प्रकार के हैं, देखो मैंने क्या कराया, एंजाइम, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं, पर जरूरी नहीं कि प्रोटीन ही हो हर एंजाइम में, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कोई कोफैक्टर होता है, नॉन प्रोटेनियस पार्ट। कोफैक्टर क्या है, दिस इज नॉन प्रोटेनियस पार्ट। ठीक है, और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक होगा तो आयंस की फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिक होगा तो या तो कोएंजाइम होगा या प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम ऐसे पार्ट होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो इस प्रोटीन से लूज बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए तो होते हैं पर जो बॉन्डिंग होती है, जो जोड़ने में इस्तेमाल होती है, इट इज वीक। सो कोएंजाइम्स क्या है, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कनेक्टेड विद, विच आर कनेक्टेड विद प्रोटीन। ठीक है, बाय द लूज, विद लूज बॉन्डिंग, जुड़े तो हुए होते हैं पर उनकी जो बॉन्डिंग होती है प्रोटीन से वो बहुत लूज होती है, वीक होती है। सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है विटामिन B1। ये जो विटामिन B1 है थायामिन, ये प्रोटीन से जुड़ करके एंजाइम बनाता है, और जो प्रोटीन से जुड़ेगा B1 थायामिन, इसके साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा प्रोटीन से वो बहुत ही वीक बनाएगा, कमजोर बनाएगा। दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रोटीन से जुड़े तो गए बट विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है विटामिन एच, मैंने अभी कराया है बायोटिन। ये जो विटामिन एच है, बायोटिन है, ये इस प्रोटीन से जुड़ता है और प्रोटीन से जुड़ने के बाद एंजाइम बनाएगा और इस प्रोटीन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। एक विटामिन एच के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, इट इज नाइदर फैट सोल्यूबल नॉर वाटर सोल्यूबल, और ये बेसिकली स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो। जनरली अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके जो हेयर्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। सो हेयर लॉस है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एच एंड इट इज द पार्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि जुड़ता है प्रोटीन से और क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। अब देखो अगर ये सारे के सारे प्रोटीन के साथ जो मैंने कोफैक्टर कराए हैं ये जुड़े तो हुए हैं तभी तो एंजाइम बनाएगा। एंजाइम कब बनाएगा, जब प्रोटीन किससे जुड़ेगा, कोफैक्टर से जुड़ेगा, तब क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। अगर मान लो इन कोफैक्टर को प्रोटीन से ना जोड़ू तो वो जो प्रोटीन कहलाएगा, दिस प्रोटीन इज नोन एज इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम कहलाता है। ठीक है, एंड दिस इनएक्टिव एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। एपो का मतलब ए पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का एक पार्ट है कौन, प्रोटीन, जो कि किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। सो उसको हमने क्या बोला, एपो एंजाइम।
लेकिन उस इनएक्टिव प्रोटीन को अगर मेरे को एक्टिव बनाना है तो मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा, कोफैक्टर जोड़ना पड़ेगा। और जो ही मैं कोफैक्टर जोड़ दूंगा प्रोटीन से तो मेरा जो एंजाइम है वो कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एंड दिस एक्टिव एंजाइम इज नोन एज होलो होलो एंजाइम। तो आपको याद रखना है एपो एंजाइम क्या है और होलो एंजाइम क्या है। एपो एंजाइम एंजाइम का सिर्फ वो पार्ट है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन द इनएक्टिव फॉर्म, एंड दिस इज नोन एज इनएक्टिव एंजाइम। एपो एंजाइम ए पार्ट ऑफ एंजाइम। अगर आप इसमें कोफैक्टर जोड़ देते हो तो एपो एंजाइम या मैं बोलूं इनएक्टिव एंजाइम कोफैक्टर के जुड़ने के बाद कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और दिस एक्टिव एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम, इसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं। मेन फंक्शन एंजाइम का क्या है, एंजाइम्स होते हैं बेसिकली हमारी जो बॉडी में प्रोसेस चलती है, वेरियस रिएक्शंस, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस, इनको कैरी आउट करते हैं और इनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसकी डाइजेशन को ये राउंड अबाउट 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे या इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो ये एंजाइम का बेसिकली मेन फंक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से एंजाइम आपको स्टडी करनी है एक टेबल के थ्रू और उसका क्या क्या फंक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक एंजाइम्स और उनके फंक्शन। तो देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें एक तरफ आपके एंजाइम्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके क्या लिखे हुए हैं, फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो एंजाइम है मैंने लिखा इन्वर्टेज या सुक्रेज, एज लगाया है लास्ट में एज। देखिए बेसिकली जब हम नोमन क्लियर करेंगे किसी भी एंजाइम का नाम रखेंगे तो लास्ट में हम एक वर्ड लगाते हैं एज, ठीक है, जो उसका फंक्शन है उसके पीछे एज। जैसे इन्वर्टेज एज लगाया, माल्टेज एज लगाया, लैक्टेज एज लगाया। सो इन्वर्टेज जो है उसका क्या काम है, इस इन्वर्टेज को हम सुक्रेज भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ेगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। दूसरा एंजाइम माल्टेज, ये एक्चुअल में क्या करता है, माल्टोज को, माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है डाइसेक्राइड, उसको तोड़ता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तीसरा लैक्टेज, लैक्टेज क्या करता है, जो लैक्टोज जो मिल्क के अंदर शुगर होती है उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। उसके बाद अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है किसमें, एन लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। आपको मैंने स्टार्च का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। नेक्स्ट है इमल्सिन और सेल्यूलेज, एक ही नाम है एक ही बात है, ये क्या करते हैं, सेलुलोज को तोड़ते हैं ग्लूकोज में, एन नंबर ऑफ। पर एक याद रखो यहां से जो स्टार्च से ग्लूकोज बनेगा इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन जो सेलुलोज से डी ग्लूकोज बनता है इट इज बीटा डी ग्लूकोज, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, इन दोनों का काम सेम है, ये प्रोटीन्स को तोड़ते हैं किसमें, अल्फा अमाइनो एसिड में। इसके बाद न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज क्या करता है, डीएनए और आरएनए को तोड़ता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से डीएनए आरएनए बनवाया था, बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं वो। ये न्यूक्लियस क्या करता है, उसी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है और डीएनए और आरएनए को किसमें बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में। इसका उल्टा देखो डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड टूट गए हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फिर से बनाएगा और फिर से उनको डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज की तरह क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा और क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, देखो ये हमारे ब्लड में मिलने वाले H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको तोड़ता है, किसमें तोड़ेगा, H2O प्लस CO2, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द होल वर्ल्ड, हमारी बॉडी में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे फास्ट काम करने वाला एंजाइम है जो कि इस कार्बोनिक एसिड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आज जो मैंने कराया है ये फिनिश हो गया है।
मैंने आपको एंजाइम्स कराए हैं, वाइटामिन्स कराए हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चन बस इनके फंक्शन याद रखो, वाइटामिन्स के केमिकल नेम याद रखो, कहां से ऑब्टेन होता है, एंजाइम्स में होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, को एंजाइम्स क्या है, ये आपको याद रखने हैं। ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है, नोट्स मैं आपको पहले सेंड कर चुका हूं, नेक्स्ट टाइम दूसरा हम चैप्टर लेके आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आप स्टडी करो।